ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। अक्टूबर के अंत में या फिर कहिए कि नवम्बर के शुरुआत से केतु महाराज का जो प्रभाव है वो बदलने वाला है, क्योंकि केतु महाराज का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 18 महीने बाद केतु महाराज राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु साथ में ही राशि परिवर्तन करते हैं। साथ में ही राशि परिवर्तन होता है, हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं राहु केतु, और एक समय पर एक ही दानव का हिस्सा थे, फिर भी एकदम ऑपोजिट है। राहु और केतु एकदम विपरीत है। जहाँ राहु एडिक्शंस हैं, वहीं केतु व्यक्ति को भौतिक चीज़ों से दूर करने वाला ग्रह है। जहाँ राहु लालच है, वहीं केतु कहीं ना कहीं त्याग है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि केतु धन नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है कि केतु का नाम लेते हैं लोग तो सीधा मोक्ष या फिर इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, ज्योतिष वन डायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। एक ग्रह कई तरह के प्रभाव देता है। जहाँ केतु एक और मोक्ष के कारक हैं, त्याग के कारक हैं, आइसोलेशन के कारक हैं, वहीं केतु से बड़ा ज्ञान का कारक कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि केतु का जो ज्ञान होता है वो रियल ज्ञान होता है। केतु कहीं ना कहीं जो लोग कंप्यूटर संबंधित कार्य करते हैं, स्पेशली कोडिंग का कार्य, इवन बहुत हद तक जो रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां राहु वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स की तरफ व्यक्ति को लेके जाते हैं। अधिकतम लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, उनके केतु कहीं ना कहीं बहुत प्रबल होते हैं या बहुत प्रभावशाली होते हैं कुंडली में, या तो लग्न में होंगे, धन अर्थ त्रिकोणों में होंगे, दसवें भाव में होंगे, ग्यारहवें भाव में होंगे, क्योंकि केतु व्यक्ति को सॉफ्टवेयर आदि के प्रति लेके जाता है। क्योंकि जहाँ पे भी सूक्ष्मता आ गई, जहाँ पे भी डिटेल्स आ गई, जहाँ पे भी बारीकियाँ आ गई, जहाँ पे भी रिसर्च आ गया, वहाँ पे केतु ही आते हैं। इसलिए ज्ञान के कारक होते हैं, क्योंकि बिना रिसर्च के, बिना R&D के ज्ञान नहीं आ पाता, वो किसी भी फील्ड में हो। केतु कहीं ना कहीं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं जिसके केतु आठवें भाव में या लग्न भाव में या कुछ और स्थान भी होते हैं, वो बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं। आप में से देखेगा कि किसी व्यक्ति के यदि लग्न में केतु हैं, आठवें भाव में केतु हैं, बहुत हद तक तीसरे भाव में केतु हैं, वो व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने का मन करता होगा। भले प्रोफेशनली वो रिसर्च ना करते हों, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए केतु को समझना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, केतु विघ्न कारक है, केतु रोग कारक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अनकंडीशनल विघ्न कारक है, अनकंडीशनल रोग कारक है। लेकिन ये जो विघ्न वो देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि व्यक्ति को एक मौका दिया जाए कि आप अपने आप को बदलो। अगर केतु का प्रभाव आ रहा है और नकारात्मक आ रहा है और आपने अपने आप को बदला नहीं, तो ये समझ लीजिएगा कि आप फंसेंगे। लेकिन हाँ, अगर केतु का बदलाव आ रहा है, केतु का प्रभाव आ रहा है और आपने उसको समझ लिया और फिर अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दिया, तो ये केतु महाराज कहीं ना कहीं आपको भौतिक जीवन में भी सुख दे सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो का शीर्षक भी यही रखा कि बदल जाइए, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, केतु बारीकियों के कारक हैं। तो जिस भी भाव में आ रहे हैं, जिस भी भाव से संबंध केतु अगले 1.5 साल से आपके लिए बनाने वाले हैं, उस भावों की के जो कारकत्व हैं, उनकी बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ पाए तो केतु एक और झंडे के भी कारक है, तो आपके नाम का झंडा भी बुलंद होगा। लेकिन अगर नहीं समझ पाए, बस टाइम वेस्ट करते रहे, तो केतु जो है वो आपको एक कांटे की तरह चुभेंगे भी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि केतु महाराज जब आपके चौथे भाव में आएंगे तो क्या क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं, अच्छे और बुरे। कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आप लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे तो भी केतु चौथे घर में ही आपके आ रहे हैं। यदि आपकी चंद्र राशि भी मिथुन है तो भी चौथे घर में आएंगे। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कहाँ से ज़्यादा आपको सूटेबल रिजल्ट मिलते हैं। मेरा मानना है कि लग्न राशि हमेशा बहुत सटीकता देती है। जिनको नहीं कन्फर्म, वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, केतु आपके लिए चौथे भाव में आकर स्थापित हो रहे हैं। चौथे भाव के जो केतु हैं, वो मिला जुला सा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छे नहीं माने जाते। इसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो भाव है ना चौथा,
इसको सुख स्थान कहते हैं, इसको माता का स्थान भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भौतिक जीवन के सुख भी देता है, और ये जो भाव है चौथा, ये आपको वैसे जो सुख होते हैं जो इमोशनल हैप्पीनेस कहते हैं उससे भी कनेक्टेड होता है। इसीलिए केतु का यहाँ पे आना बहुत अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे पहले तो केतु जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति के पूरे सोचने के तरीके में बहुत बदलाव आता है। केतु दूर करते हैं, केतु लोगों को या जिसके कुंडली में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो व्यक्ति को ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होता। देखिए तभी कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, तभी केतु को ज्ञान कारक कहते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति ज्ञान के प्रति जाता है जो बाहरी दुनिया से कट जाता है। आप कोई भी ज्ञान वाली चीज़ें ले लीजिए, वो योग हो, वो कोई विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, वहाँ पर आपको लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी पड़ती है, तभी आपको सच्चा ज्ञान आता है। तभी केतु जब चौथे भाव में आते हैं तो व्यक्ति को लोगों से दूर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष के कारक है, और ये जो भाव है 4, 8 और 12 इनको मोक्ष स्थान कहा जाता है। तीनों की व्याख्या बहुत अलग अलग है, किस प्रकार से वो मोक्ष देते हैं, कहाँ कहाँ पर मोक्ष किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है, वो अलग चीज़ है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस टाइम पर, लेकिन फिर भी जो चौथा भाव है वो भी मोक्ष का स्थान है और केतु मोक्ष के कारक हैं। तो यहाँ पर जब केतु आएंगे तो एक तो आपको अपने घर वालों से दूर करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग इस आने वाले 1.5 साल में अपने घर वालों से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये जो मेरे घर वाले हैं ये शायद मुझे समझते नहीं हैं, और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दूसरा, आपका अटैचमेंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा किन लोगों के प्रति अटैच होते हैं? अधिकतम केसेस में जो हमारे अपने होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, फिर पति पत्नी या जो भी होता है। तो जो भी आपसे बहुत प्रिय थे या हैं, आप देखेंगे कि जो 1.5 साल है इसमें आप उनसे दूर होना शुरू कर देंगे। आपका जो अटैचमेंट है उनके प्रति वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष के कारक है और इमोशंस के स्थान में है, और जब व्यक्ति के इमोशंस ही काटने लग जाते हैं केतु, तो इमोशंस तो हमारे उसी व्यक्ति के प्रति होते हैं ना जो हमें बहुत प्रिय होते हैं। तो केतु आपको कहीं ना कहीं अपने लोगों से दूर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले भावनात्मक तौर पर भी होगा, और ये केतु जब चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति को अपने स्थान पर नहीं रहने देते, यानी कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। कई लोग आने वाले 1.5 साल में मिथुन जिनकी लग्न या चंद्र राशि है वो ट्रैवल करेंगे, हो सकता है काम के कारण, या उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है किसी और कारण, उनका घर चेंज हो सकता है, यानी कि जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से मूवमेंट आने वाले 1.5 साल में दिख रही है। अब ये एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि केतु बदलाव के कारक है, और यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखेंगे तो जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहते, कई लोग होते हैं उनको बहुत घूमना पसंद होता है, स्पेशली जो चर स्वभाव के लग्न होते हैं 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और कैप्रिकॉर्न, मकर, ये चर स्वभाव के लग्न होते हैं, और भी कुछ हैं 2-3 उनको घूमना बहुत पसंद होता है। बाकी जो स्थिर स्वभाव हैं उनको ज़्यादा, या लग्न में अगर आपके कुछ ऐसे स्थिर ग्रह बैठे हैं, तो अगर आपका ऐसा व्यक्तित्व है जिनको घूमना बहुत पसंद है या फिर एक जगह पर रहना पसंद नहीं है, तो उनके लिए तो आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको एक ही जगह पर स्थिरता चाहिए उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि केतु स्थान परिवर्तन आपका अवश्य करने वाले हैं। ये जो चौथा भाव है ये प्रॉपर्टी का भी होता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ढंग से देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जब हम राशिफल बनाते हैं हमारे पास आपकी कुंडलियाँ नहीं होती, तो यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर इस समय आपकी लग्न, आपकी दशा, अंतरदशा या समय अच्छा चल रहा होगा तो आपको अपने घर को बदलने का मौका मिल जाएगा। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी कोई प्रॉपर्टी थी वो बिक नहीं रही थी, और अपने प्रॉपर्टी को बेचकर वो कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी या उसको आप बेचना चाहते थे, तो उसके सेल ऑफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जिनका अच्छा समय नहीं चल रहा तो वो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ भी गंवा सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए। इसके साथ ही ये जो चौथा भाव है ये घर का भी होता है और आपके वाहन का भी होता है। तो केतु का यहाँ पे आना, एक तो आपके घर में मरम्मत बहुत होगी अगले 1.5 साल में, आप खुद देखेंगे भले ही 1.5 साल बाद ये वीडियो देख लें कि आपके घर में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ खराब होते रहेगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खराब होंगे, जो आपके पाइप्स हैं ड्रेनेज आदि वाले वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, घर में बहुत दरारें आना शुरू हो जाएंगी, और मरम्मत आपको बहुत करानी पड़ेगी। और यही चीज़ आपकी कार के साथ भी होगी, आपके कार पे भी यानी कि आपके वाहन पर भी आपका खर्चा
बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए केतु का चौथे घर में आना कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता। हाँ, एक और जो चीज है वो ये है कि राहु दसवें घर में है तो करियर आपका एक ना एक तरह से अच्छा जाएगा। अब देखिए, यही होता है प्रभाव राहु केतु का। इंग्लिश में एक शब्द है पैराडॉक्स, यानी कि दो एकदम ऑपोजिट तरह की चीजें लेकिन एक टाइम पे ही घटती हैं। या कभी कभी एक व्यक्ति का हम नेचर कहते हैं कि बहुत पैराडॉक्स है उसका नेचर, कि अलग तरह के उनके स्वभाव हैं लेकिन एक ही व्यक्ति में वो स्वभाव दिखते हैं, वैसा ही राहु केतु का प्रभाव होता है। जहां पे दसवें भाव में आपके करियर को बहुत संवार सकते हैं, वहीं केतु जब चौथे घर में होंगे तो आपके इमोशनल हैप्पीनेस को थोड़ा सा हर्ट करेंगे। आप खुद देखेंगे अगले 1.5 साल आप कितना भी करियर में उन्नति कर लीजिए, पैसा आपका बढ़ेगा, प्रमोशन आपकी होगी, विदेश जाने का मौका मिल सकता है क्योंकि राहु दसवें घर में है, लेकिन अपने करियर से आप खुश नहीं रहेंगे। आप कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाइड रहेंगे, करियर में सेटिस्फेक्शन की कमी होगी क्योंकि यहां पर जो हैप्पीनेस वाला स्थान है, खुशियों वाला स्थान है, वहां पे केतु है। न केवल प्रोफेशनल, अगले 1.5 साल में आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होगा ना, आप उसको ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके घर में नई गाड़ियां आ गई तब भी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कुछ और खुशियां हो गई, कोई शादी हो गई, कुछ बड़ा मोमेंट हो गया, आप उसको ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को भौतिक खुशियों से, इमोशनल हैप्पीनेस से भी दूर करना शुरू कर देता है। तो ये केतु का प्रभाव थोड़ा सा चौथे घर का होता है, थोड़ा सा नकारात्मक अवश्य होता है। बहुत ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। केतु का चौथे घर में आना माता जी की सेहत के लिए बहुत कष्टकारी होता है, इवन पिताजी की सेहत के लिए भी कष्टकारी होता है, दोनों के लिए। शास्त्र कहते हैं दोनों के लिए ही केतु का चौथे घर में आना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये तो माता का स्थान ही है और चौथा भाव जो है वो नवम भाव से अष्टम पड़ जाता है, यानी कि पिताजी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो अपने माता, देखिए स्पेशली यदि उनकी एज थोड़ी ज्यादा है, अगर वो 65-70 प्लस हो चुके हैं तो वहां पे राहु केतु बहुत नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो केतु के कारण ये जो चौथे घर में केतु का प्रवास है, अपनी माता जी और पिताजी की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना शुरू करना है। केतु कहीं ना कहीं विघ्न कारक है, तो चौथे घर में जब आएंगे आपके कुछ प्रॉपर्टी के कार्य भी अटक सकते हैं। ये भी मैं वही कहूंगा जिसका थोड़ा सा बुरा दशा अंतर दशा चल रहा है, उन्हीं का काम अटकना शुरू होगा। लेकिन अब देखिए, जहां मैंने कहा केतु मोक्ष के कारक है, वहीं मैंने कहा केतु ज्ञान के कारक भी है। तो जो चौथा भाव है, जब केतु यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, वो मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर देता है। मोक्ष मैंने कहा उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन अगर सरल तरीके से कहूं कि व्यक्ति ज्ञान की तरफ जाता है, तो यहां पर अगले 1.5 साल क्योंकि आप थोड़ा सा आइसोलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, यदि आपने इस समय का उपयोग किया तो यकीन मानिए 1.5 साल में आप वो चीजें सीख पाएंगे जो भी आपके जीवन में हो, आपका करियर से संबंध में हो, पर्सनल लाइफ से संबंध में हो, हेल्थ से संबंध में हो। आपके लिए 1.5 साल थोड़ा अकेले बिताने का है और इस ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन को यूटिलाइज करने का है। आपने अगर इस 1.5 साल में अपने ज्ञान को अर्जित किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, तो एक केतु कहीं ना कहीं आपके नाम का झंडा अवश्य बुलंद करेंगे। केतु व्यक्ति को अपने आप में डुबाता है, तो यहाँ पे जब चौथे भाव में केतु आते तो आप अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, क्यों मैंने इस व्यक्ति को इतना टाइम दिया, क्यों मैंने अपने दोस्तों को इतना टाइम दिया, जब वहां से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं होता। तो इसलिए केतु ज्ञान के कारक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हमें लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, हाँ ये मेरे को कॉल करे, ये मेरे को बर्थडे विश करे, हम पार्टी पे जाएं, ये जाए। और जैसे जैसे व्यक्ति के पास ज्ञान आता रहता है वो इन चीज़ों से दूर होता रहता है क्योंकि उसको पता है कि सब डिस्ट्रैक्शंस है, मोह माया है और कुछ नहीं है। परम ज्ञान परम तत्व तो बहुत कम लोग जान पाते, लेकिन केतु ही वो चीज है जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ लेके जाता है। आप थोड़ा सा लोगों से कम बात करना शुरू कर देंगे, आप अपने जीवन को पूर्ण करने की तरफ जाएंगे क्योंकि इमोशंस का स्थान है। और जब केतु आपको ये रियलाइज कराएंगे कि हाँ ये जहां पे भी आप टाइम वेस्ट कर रहे थे वो एक अच्छी चीज नहीं है, तब व्यक्ति अपने ऊपर फोकस करना शुरू करता है और तब व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्णता की तरफ जाता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि केतु को समझ गए तो आपके लिए आपका झंडा बुलंद हो सकता है आपके नाम का, नहीं समझ पाए तो वहीं कहीं ना कहीं कांटे की तरह वो आपको चुभते रहेंगे। ये वो समय है जब आपको अपने घर वालों से दुख भी मिलेगा। देखिए, जो अपनों का दुख होता है वो सबसे खतरनाक होता है। कोई हमारा कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति हमें आके धोखा दे दे, नुकसान कर दे, कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई अपना व्यक्ति जब हमें धोखा देता है ना, जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो दुख भुलाए नहीं भूलता।
भले आप मुंह पे बोल दे उसको कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से दिया गया दुख व्यक्ति कभी नहीं भूलता। और ये चौथा भाव में जो केतु का आगमन है, ये आपको अगले 1.5 साल अपनों से दुख मिलेगा। आप देखेंगे कई लोगों के चेहरे से मुखौटे हटेंगे, कई लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, और कई लोग जिनसे आप बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ ये तो एटलीस्ट मेरा है, ये तो मेरा अच्छा सोचता है, उन्हीं से आपको धोखा मिलेगा। तो ये केतु कहीं ना कहीं तभी आपको एक रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, एक अपने बारे में जानने के लिए आपको मदद करेंगे। एक चीज से बहुत संभल के रखना है, केतु और राहु दोनों ही तंत्र के कारक हैं। तो जब राहु या केतु का किसी का भी चौथे घर पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति के घर पर तंत्र का उपयोग होता है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके पूरे घर पर, आपके पूरे परिवार पर तंत्र का प्रयोग करता है। अब तंत्र में अभिचार कर्म होते हैं बहुत तरह के, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। कुछ भी दिखे कि हाँ ये इसका कुछ रीजन ही नहीं मिल रहा कि खराब क्यों हो रहा है घर में, तो किसी ना किसी से जो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं के लिए शांति करते हैं उनसे कुछ करवा लीजिएगा। अदरवाइज ये केतु का प्रभाव आपके चौथे घर पर नेगेटिव रिजल्ट अवश्य देकर जा सकता है। जो लोग रियल एस्टेट या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स इनसे जुड़े हैं, या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़े कुछ कुछ काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें सॉफ्टवेयर को छोड़कर यहीं से संबंधित चौथे घर से। और क्योंकि केतु दसवें घर को देखेंगे भी, तो सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रिसर्च इनसे जुड़े कुछ कार्य करते हैं तो भी आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। केतु चौथे भाव में है जो पंचम से 12वां है। अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, उनको इंजरी के योग आने वाले 1.5 साल में काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये जो चौथा भाव है ये सप्तम भाव से 10वां है। यहाँ पे पति और पत्नी के बीच में भी ईगो क्लैशेस होंगे, और हो सकता है आने वाले 1.5 साल में पति और पत्नी एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाए। स्पेशली अगर दोनों ही काम करते हैं तो अगले 1.5 साल आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना, भले साथ में रहते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा, क्योंकि ये जो केतु है यहाँ पर आकर डिफरेंसेस लाएंगे, ईगो क्लैशेस करेंगे और कहीं ना कहीं आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी लेकर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर अवश्य काम कीजिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या केतु की दृष्टि होती है या नहीं, कुछ ग्रंथ नहीं बिल्कुल इसके बारे में मौन है, कुछ ग्रंथ कहते हैं कि हाँ जैसे बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि है वैसे ही केतु और राहु के भी है। मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है कि राहु केतु अपने से त्रिकोण स्थान पर प्रभाव डालते हैं, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो है 8वें घर पर। पुनः मैं यही कहूँगा कि रिसर्च करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए इससे अच्छा समय है ही नहीं, ऑलरेडी वो आपको रियलाइज होना शुरू हो गया होगा। आप किसी ना किसी ज्ञान की चीज़ के प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया होगा, आपका जो ध्यान है वो बढ़ गया होगा, आप कुछ बहुत नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, बहुत रिसर्च बेस्ड आपका एक व्यक्तित्व तो बन गया होगा, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, ये चौथा प्रॉपर्टी का स्थान है और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है, तो यहाँ पे दो चीज़ें की संभावना बन सकती है। एक, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर बहुत टाइम से बिक नहीं रही थी, बिक सकती है, लेकिन यकीन मानेगा केतु है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे आप सोच रहे थे कि 50 लाख की जाएगी, वहाँ पे शायद 45 लाख में आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको 45 लाख में मानना पड़े, क्योंकि केतु पूरा नहीं देते, केतु अधूरा देते हैं, तो वो एक चीज़ है। दूसरा, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर कोर्ट केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोर्ट केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, तो अगर वो संभावना बनती है तो अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो 8वां भाव होता है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा अकेलापन भी देता है, और केतु अकेलेपन के कारक हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि आप अपने आप को पहले, तो देखिए फेजेस होते हैं, क्योंकि 1.5 साल है तो पहले व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करेगा, आपको ये शुरू होगा लगना कि मेरा कोई है ही नहीं, सब झूठे हैं। फिर वो अकेलेपन से आपके पास ज्ञान और आपके पास कहीं ना कहीं अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट दे बुरा रिजल्ट दे वो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है। तो केतु इनिशियली आपको शायद ये लगे कि हाँ मेरा कोई नहीं है, एक अकेलेपन का एहसास आ जाए, लेकिन यही जो केतु है वो आपको आगे चलकर अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि आपको आत्मबोध कराएंगे। केतु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है। ऑलरेडी यहाँ पे राहु हैं जो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, विदेश, इन सबके कारक हैं। केतु का प्रभाव यहाँ पर बताता है कि जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। केतु ब्रेक भी हैं, केतु ब्रेक देते हैं, कंटिन्यूटी में कमी देते हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कोडिंग, IT, रिसर्च, कंप्यूटर लैंग्वेजेस,
इनसे जुड़े कुछ कार्य करते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा समय है। केतु की जो नवी दृष्टि है वो रहेगी 12वें घर पे। अब देखिए, तभी केतु के जो इस भाव में आने को हम मोक्ष से या फिर अकेलेपन से या फिर अध्यात्म से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो तीनों भाव है कुंडली में कुछ त्रिकोण होते हैं अलग अलग नाम से, मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये है मोक्ष त्रिकोण। तो जब मोक्ष के कारक मोक्ष त्रिकोण पर प्रभाव डालेंगे तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाएगा। अभी जो 12वां स्थान है ये मंदिरों का है, ये तीर्थ स्थलों का है, ये कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक केंद्र है, जो अध्यात्म जो आश्रम है इन सब का है, जो पूजा के स्थल हैं, जो ऊर्जा के स्थल हैं आध्यात्मिक ऊर्जा के, 12 ज्योतिर्लिंग की बात कर लीजिए, बाकी कितने, हमारा देश तो भरा पड़ा है, अगर आप हमारे देश में ही घूमना शुरू कर दें आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, इतनी आध्यात्मिक जगह है, क्योंकि अध्यात्म का केंद्र है। और कहाँ से अध्यात्म निकला है और कहाँ से ज्ञान निकला है, केवल हमारे देश से ही तो निकला था। तो ये वो समय है जब आपको कई आध्यात्मिक जगहों पर जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। हाँ, एक नेगेटिव प्रभाव होता है केतु का 12वें घर पर कि वो कहीं ना कहीं आपकी नींद बिगाड़ता है और इसके साथ ही आपके खर्चे अचानक से बढ़ाता है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से केतु महाराज के आपके जीवन में हो सकते हैं। हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु जब चौथे घर में आते हैं सबसे पहले कफ रोग बढ़ते हैं, और ये जो मिथुन वाले होते हैं इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है जीवन भर, जो भी बुध की दो राशियां हैं, ENT की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, गला खराब रहता है, शोल्डर पेन रहता है, ये तो चलता ही रहता है। अब केतु का यहाँ पे आना कफ रोग बढ़ाता है। जिनको हार्ट कंडीशन है बहुत केयरफुल रहिएगा, चौथे घर के केतु हार्ट कंडीशन को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। स्लीप डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा आपको, और हड्डियों की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं आपको सताएगी, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। केतु महाराज का राशि परिवर्तन बड़ा होता है तो उपाय भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला उपाय आपको 3 बुधवार करना है। आपको गणेश मंदिर जाके, देखिए जो मंदिर नहीं जा सकते वो अपने घर में कीजिएगा, जो विदेश में रहते हैं वो गणेश जी का स्मरण करके जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। मैं समझता हूँ जो विदेश में रहते हैं उनके पास ना ही अधिक जगहों पर मंदिर होते ना ही सामान अवेलेबल होता है, लेकिन जो उपाय हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है जो मैं बताता हूँ। तो जो आप नहीं कर सकते केवल मंत्र जाप करके या गणेश जी का स्मरण करके, जिस भी देवी देवता का बताते हैं अपने मन से उतना कर लीजिएगा। तो पहला उपाय आपको करना है कि आपको 3 बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना है, उनका दूध से अभिषेक करना है और उनको मीठा पान अर्पण करना है। इसके साथ ही 4 तिल के तेल के दिए भी उनको अर्पण करने हैं। इसके बाद वहां बैठकर आपको ओम वक्र तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और दूसरा उपाय ये करना है आपको कि 3 बुधवार आपको किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। अगर वृद्धाश्रम आसपास नहीं है तो देखिए आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, कहीं भी कुछ ना कुछ दान कर दीजिएगा। अगर ये चीज़ नहीं होती या आसपास कुछ नहीं वृद्धाश्रम या कोई ना कोई संभावना नहीं बनती है तो पशु सेवा, किसी भी पशु की 3 बुधवार अपने प्रकार से अपनी तरह से सेवा कीजिएगा। ये कर लेंगे आपके लिए केतु महाराज अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।